श्री चतुर्वेदी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय श्री वासुदेव जी देवानी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अनिता पटेल, माननीय महिला और बाल विकास के राज्य मंत्री श्री लाखावत जी, अध्यक्ष धरोहर संरक्षण और गृहनीति प्राधिकरण, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र साहब, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री सेक्रेटरी साहब, हमारे बैठे हुए विधायक गण श्री सुरेश जी रावत, शक्कर सिंह जी, श्री भागीरथ जी, श्री शत्रु जी गौतम, श्रीमती सुशीला जी परवाला, श्री रामराज, बहुत अच्छे कार्यक्रम में भामाशाह की भागीरथ में शुरुआत के अंदर आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत और बधाई देना चाहूँ। आप ऐसे अपने मांग के चलिए कि जिस चीज के लिए हम बहुत दिनों से काम कर रहे थे, 2008 के अंदर हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया था 7-8 में, और मुझे याद है कि हम लोगों ने जब काम चालू किया था तो लोगों ने हमारा मजाक किया, ये फैशनेबल नहीं था, हमारे साथ सहयोग करने वाला आपको कोई मिल ही रहा था, हम लोगों को प्रेशर डाल रहा था, लोगों को साथ देने की कोशिश करनी पड़ी। तब एक बड़ी जवाब हमारे साथ आई, बैंकों के अंदर हम लोगों ने जब लोगों से बात किया तो कोई भी बैंक हमारा साथ देने को तैयार नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पंजाब नेशनल बैंक को, जिसने हमारे ऊपर एक किस्म से विश्वास करके हमारे साथ लिया, कोई तैयार नहीं था। अब तैयार जब हुआ तो चुनाव आए और उसकी वजह से हम लोगों को रोका गया, और एक इतनी अच्छी स्कीम थी कि मुझे तो ये लगा कि जो भी हमारे पीछे पीछे आएगा, जो हमारे बाद में आएगा, वो भी इस स्कीम को लेगा। परंतु कांग्रेस की सरकार, मैं ये भी 7 साल से अंदर नहीं समझ पाए तो ये भी नहीं, इस 5 साल के अंदर नहीं समझ पाए, ये तो हुआ ही था। 5 साल अपने ऐसे ही निकल गए, और अब जब इस साल में सरकारें बनी, भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर आई, तो आपने देख लिया कि ये चीज बैंक के अंदर खाता खोलने का काम बिल्कुल फैशन में आ गया, एक एक बैंक दौड़ दौड़ के लोगों को समझा सफर करने लगा, लोग आने लगे कि कहने लगे कि हमारे साथ हमको सहयोग करने के लिए हम तैयार है, सरकारें हमारे साथ करने के तैयार है। परंतु हमें वो जमाना भी याद है जब हमारे को कोई नहीं मिलता था, और ऐसे समय में हमने इस चीज का हाथ में लिया काम, और हमने सबका जनता को विश्वास दिलाया कि हम आपके पास तक ये बैंक के वितरण की प्रणाली, कार्ड के वितरण की प्रणाली, जिसको आज फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, तो हम अपने राजस्थान के अंदर पहले करके आपको सबको देंगे। मैं जाते जाते भी 29,07,000 बैंक खाते खुलवा कर गए, 160 करोड़ रुपया महिलाओं के उन खातों के अंदर ट्रांसफर हो चुके, और 8,000 कार्ड भी बढ़ गए, और जो काम आप रुक गया। और मैं उन लोग सबको कहना चाहती हूँ कि बैंकों ने और पंजाब नेशनल बैंक ने हमारी बात को मानते हुए कह दिया कि जिनके खाते में पैसा पड़ा हुआ था और कभी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उस पैसे का इंटरेस्ट उन लोगों को उस बैंक के खाते के अंदर मिलेगा। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया, जो वो आपके साथ लेडीज ने 8,000 कार्ड जो दिए गए थे उनको इंटरेस्ट के रूप में पैसा थोड़ा सा और उसके अंदर जमा हो जाएगा, ये भी मुझे खुशी है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि हमारे देश के अंदर महिला शक्ति का हम लोग सम्मान करते हैं, कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, इनकी बात अपन करते हैं, जब भी महिला की बात करते हैं तो अपन कहते हैं दुर्गा संगत, तो लक्ष्मी ऐसी है और वो सरस्वती के रूप की है, परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसको दुर्गा स्वरूप को हम कहते हैं हाथ में कितनी शक्ति, हम कहते हैं कि वो सरस्वती स्वरूप है, परंतु कितनी अभी भी पिछड़ी हुई और अशिक्षित हमारी महिला है, और हम कहते हैं हमारी नारी लक्ष्मी स्वरूप और नारी है, परंतु आप जानते हो कि हकीकत तो ये है कि आर्थिक रूप से कितनी सशक्त है वो आप हम जानते हैं,
इसलिए ये योजना हमने हमारी महिलाओं को समर्पित किया है और हमने कहा कि ग्वालियर में दुर्गा स्वरूपी, ग्वालियर में लक्ष्मी स्वरूपी और आगे चल के ग्वालियर में सरस्वती स्वरूपी हमारी महिला होगी। इसलिए ये पहली जो हमारा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर है हमारी महिलाओं को हम समर्पित करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि महिला को हम लोगों ने परिवार का मुखिया माना है। ये जो बीपीएल परिवार की महिला है उस बीपीएल परिवार को जोड़ने का जो हमने काम किया है उसके अंदर हमने अपनी महिलाओं को सशक्त करते हुए उनके हाथ में काट दिया और हम चाहते हैं कि समानता बन रहा है उनके पुरुषों के बीच में ताकि ये जो लक्ष्मी की बात करते हैं वाकई में महिलाओं को लगे कि मैं भी इनके समान हूं, मैं भी अब पिछड़ी नहीं हूं, मैं भी अब कुछ कर सकती हूं, मेरी भी इस देश और इस राज्य के अंदर कुछ ताकत है। इसीलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी स्कीम बनाने का काम आज करके रखा है। कार्ड के बारे में आपको कुछ कुछ बताया, ये जो नामांकन शुरू हुआ था वो पहले 15 अगस्त को हम लोगों ने उदयपुर से और मेवाड़ी घाटी से शुरू किया था। मेहमानियों की वो शुरुआत होते होते आप लोग का कार्य यहां पहुंचा है। व्यक्तिगत पहचान भी, परिवार की पहचान भी ये बाबा साहब कार्ड के अंदर हम लोग सम्मिलित करके आप लोगों के हाथ में दे रहे हैं। हमने महिलाएं इकट्ठी करी उनके हाथ में हमने कार्ड दिया। एक जो कार्ड था उनका पहचान जैसे पत्र था, एक कार्ड वो था जिसको एटीएम में ले जाके अगर आप उसको स्वाइप करते हो तो उसमें पैसे मिलेंगे और एक और कार्ड था जिसको हमने दिया था जिसमें अगर कोई इंडिविजुअल के रूप में कार्ड लेना चाहता है तो 30 रुपए लेके वो इंडिविजुअल का भी कार्ड ले सकता है। वो कई महिलाओं ने भी कार्ड लिया। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 किश्तों में 2000 रुपए का इंतजाम हमने किया। पहले कहा था 1500, 2000 रुपए के हजार रुपए के हिसाब से उनके खाते में जाएगा। ये पहला खाता है पूरे देश के अंदर क्योंकि बैंक को आप खाता खोल सकते हो परंतु जीरो अकाउंट के अंदर कितना पैसा है। ये पहला खाता है जिसके अंदर हमने आधार को जोड़ा है, जिसके साथ जनधन को जोड़ा है, जिसका बैंकिंग रुपया कार्ड से भी है और अगर कोई भी जाता है क्षेत्र के अंदर तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये कार्ड हमने आपके हाथ में दिया और हमने इतना समय भी लगाया क्योंकि हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारा आदमी वहां जाए, हमारी महिला लेके कार्ड जाए और वो देखे कि मैं कार्ड को लेके आई हूं मेरे को कुछ नहीं मिला है। इसे उसके अंदर जो भी पेंशन का पैसा है, जो भी सरकारी पैसा है वो सब उसके अंदर जाएगा तो महिलाओं के हाथ में एक मजबूती होगी, एक ताकत होगा और उसका सम्मान समाज करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोग कार्ड लेने जा रहे हैं परंतु मुझे गर्व इस बात का है कि राजस्थान प्रदेश जो प्रदेश है जिसके पीछे ये सब कुछ है और जिसके लोग कार्ड लेके आज शहर में जा सकते हैं। आप लोग जब विदेश की बात करते हैं तो ये कार्ड तो विदेश के सब लोगों के पास है। ज्यादातर आप कोई अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, कहीं जाता है तो वहां के लोग पैसे नहीं रखते, वो वहां के लोग कार्ड रखते हैं और कार्ड के ऊपर ही सब काम होता है। ये हमारा प्रदेश पहला प्रदेश राजस्थान पूरे देश के अंदर जहां चारों कार्ड आपके हाथ में आपको मिला है जिसके वजह से लोग ये आपको मानेंगे कि हाँ बस यहां तो आप लोगों ने राजस्थान में कुछ किया है। और अजमेर वो जगह है जहां स्मार्ट कार्ड ही नहीं, जहां ये कार्ड स्मार्ट सिटी ही नहीं परंतु ये कार्ड भामाशाह कार्ड का भी वितरण यहां से चालू हो रहा है। तो यहां से तो मैंने इतना बड़ा काम आपके प्रदेश के अंदर और आपके इस अजमेर के अंदर हो रहा है। मैं तो सोच रही थी कि सब लोग जश्न मनाते हो गए क्योंकि दो बड़े बड़े काम अमेरिका के अंदर खाली 3 सिटीज का नाम लिया है और भारत में एक है अजमेर और दूसरा सबसे पहले अगर उनका काम चालू हो रहा है तो ये है अजमेर। इतना बड़ा काम हुआ है आपको रास्ता दिखाना होगा पूरे प्रदेश को और मैं समझती हूँ ये काम यहाँ चालू हो चुका है। हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके ये करने की सोचा है, कोशिश की है कि किसी भी तरीके से कम
कार्ड को ओपन हो जाए। आज वो स्थिति हो गया, उसको देख देख के उसको ठीक करते करते 3% से ज्यादा क्वालिटी मैं नहीं समझती हूँ कि इस कार्ड के ऊपर आपको मिलेगा, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। अपने सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके कभी-कभी पेपर में पढ़ने को मेरे को मिल जाता है कि यहाँ भामाशाह का कैंप हो रहा है, वहां भामाशाह का कैंप हो रहा है, यहाँ भगदड़ मच गई, यहाँ लोगों ने हमला मचाया। मेहरबानी करके इतना बड़ा काम है, आप लोग धैर्य रखें और धैर्य रखें, अपने कार्ड को बनाने का काम करें। सरकार जितना कर सकती है वो आपके लिए कर रही है, हमने तो किसी ने नहीं किया था, ये पहले तो कोई कर रहा है, तो धैर्य रखने में प्रॉब्लम क्या है। मैं तो समझती हूँ कि आराम से अपना कार्ड बनाओ, और मैंने सबको कह दिया है कि ये मुझे लगता है मई जून जुलाई तक मुझे ज्यादातर हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। पर ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिसके हाथ में अभी कार्ड नहीं आया है उसको भी जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। अब ये मत सोचना कि बस उसको खाली कार्ड मिला है इससे हमको नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से बदल बचाएंगे, कोई बदल बचाने की जरूरत नहीं है। आपको कार्ड मिल जाएगा तो भी आपको मिलेगा, और जब तक आपको कार्ड नहीं मिला है तब तक भी आपका काम उसका हमारे सरकारी तरफ से हो जाएगा। आप उसकी चिंता न करें। शेयर बैंक ऐसे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर कॉर्पोरेशन बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन लोगों को सबको मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने बैंकिंग प्रणाली के साथ भामाशाह की योजना को जोड़ने का काम किया। पहले खाली एक बैंक था, अरे सब बैंकों ने मिलकर, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मिलकर ये हमारे लिए पॉसिबल किया कि हम को बैंकिंग का काम यानी बैंकिंग प्रणाली के साथ भामाशाह को जोड़ने का काम आज आप लोगों की वजह से कर सके, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और विश्वास करना चाहती हूँ कि कार्ड का काम जो आपने किया है इसकी वजह से आपका नाम वहां मिल जाएगा, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके साथ साथ याद रखो, नरेगा, पेंशन, छात्रवृत्ति, बीपीएल के परिवार की महिलाओं के खातों में जो दो किश्तों में दिए जाने वाले 2000 रुपया, और ये जो नई बात बताई आपको अभी, आपने देखा कि नहीं देखा, वहां सीरीज लगे हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि राशन को भी इसके साथ जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब अब आपका कार्ड होगा, अगर आपका कार्ड नहीं होगा तो कोई आपके नाम पे आपकी किताब नहीं रख सकता, कोई भी आपके नाम के ऊपर आपका राशन नहीं ले सकता। आपका कार्ड जब तक नहीं होगा और आप अपना कार्ड तब तक नहीं दिखाएंगे और ये नहीं बताएंगे कि हमें अपने कार्ड के ऊपर ये चाहिए, जब तक वो पैसा नहीं निकलेगा तब तक आपको ये राशन प्रणाली का काम कोई और आपके नाम पर नहीं कर सकता। हम चाह रहे हैं कि हमारी जनता का काम हो, दो तरीके से हो, हमारे जनता का पैसा उस जनता तक पहुंचे और उसका इंतजाम इस बहुत बड़े काम के द्वारा, बहुत बड़ी स्कीम के द्वारा हम लोगों ने करने की कोशिश यही है। मैं समझती हूं कि इसको आप लोगों को बहुत संभाल के रखना है। मैंने महिलाओं को कहा कि वो जो पैसे वाला कार्ड है ना, वो तो पैसे जैसे ही है, इसमें मेहरबानी करके उसको इधर-उधर मत डाल देना, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे नाम पर पैसे तो निकाल नहीं सकता, तो बायोमेट्रिक करना पड़ेगा ना, फिर भी उंगली लगानी पड़ेगी। फिर भी मैं तो समझती हूँ कि उसे हो सकता है कि आप इतना नहीं समझ पाए, किसी का जरूर समझा दो और फिर मैं आपको कह सकती हूँ कि हम लोग एक तरह समझ जाएंगे और इसका रैशनल क्या है उसको अगर समझ जाएंगे तो आपके इस मुसीबत को आपके आंसू पहुंचने का काम, ये जिम्मेदारी हमारी है, आपको करना पड़ेगा। और फिर ये पैसा भी हमारा नहीं है भाई, पैसा आपका है, आपके पैसे को आपको उससे वंचित रखने का हमें क्या मजा मिल रहा है। हमको तो आपने कभी इस कुर्सी पे बिठाया है और ये कह के बिठाया है कि लो ये कुर्सी हमारी है, हम इलाज करने के लिए आपके सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, फिर आपने ये कहा कि इस कुर्सी को संभाल के हमारे पैसे को संभालिए, वो भी आपके पैसे हैं जिसको आपने अपनी अमानत को हमारे पास संभालने के लिए दिया है। और फिर आपने ये कहा है कि हमारे अगले 5 साल के अंदर
हमको इन पैसों से अपनी सरकार के द्वारा जितना प्यार से और अच्छी तरह से संभाल सकते हो उसमें प्यार से और अच्छी तरह से संभालने की कोशिश करो, ये कहा ना। और हम किसी को पूरा करने के लिए आपके सामने, तो आपका पैसा आपका तो पहचाना है, परंतु मैं सबने कहा कि सरकार एक है, काम दो है, हम लोग सब बैठेंगे आपके साथ बैठेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह बचाने की कोई जरूरत नहीं। और देख रहे हो 13 तारीख हुई है, 13 तारीख के अंदर इतने सारे काम हुए हैं, दिल्ली की सरकार के लोग आए बैठ लीजिए आपको 4000 करोड़ दिए लोग से पानी वालों ने, वो हाथी जी ने सावरदास जी को बेच के 1025 करोड़ रुपए और इसी तरीके से आपको पीयूष जी ने बिजली के लिए भी बहुत सारे पैसे दिलवाए, याद रखे एक बिहारी के अंदर एक बिहारी अब उन्हें कहा कि भैया एक ही घर के अंदर भी रकम लगाने का काम आप लोग करना है, हम आपको मदद करेंगे और आपको पैसा देंगे। ये सब पूरी सरकार को नीचे पर लगी हुई है। और मैंने कह दिया कि कांग्रेस ऐसी नहीं है सरकार कि कहे एक चीज और करे दूसरी, या करे ही नहीं। हमारी तरफ से आपने कह दिया कि अगर आपको हमने अनाउंसमेंट किया तो उस अनाउंसमेंट को आप पूरा करके छोड़ेंगे। 2007 में हमने कहा हम आपको उसको पूरा नहीं कर सके तो हमने 14 वर्ष पूरा करके आपको समर्पित कर दिया। ये हमारी आदत नहीं है और न हम आपको झूठ बोल के कोई काम करने की हो सकता है कि कोई गलती हो जाती है, हरेक आदमी के हाथ में जादू तो नहीं है, परंतु कोशिश हमारी ये होगी कि हम आपके काम को जितने जल्दी हो सके आप तक पहुंचाएंगे। हम और हमारे अधिकारीगण ये आपके समर्थन में यहां बैठे हुए हैं, ये हम आपके ऊपर भरोसा दिखाने इलाज करने नहीं आए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस कार्ड के ऊपर मैंने ये भी आपको बताया था कि स्वास्थ्य बीमा 30,000 से लेकर 3 लाख तक, छोटी छोटी बीमारी से लेकर गंभीर बीमारी को कवर करने का काम हम इस कार्ड के ऊपर कर रहे हैं, परंतु ये अभी आपके कार्ड के ऊपर नहीं आया है, इसलिए झगड़ा मत करना। अरे आपने लग नहीं ये कहा है, ये अभी नहीं आया है, हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे। हम कोशिश में है कि 2015 के अंत तक ये भी आपके कार्ड में कर जाएगा। अभी नहीं है इसलिए अभी आप मेरे को लड़ाई नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी ने यही कह रहे हैं कि 30,000 से 3 लाख और प्रधानमंत्री जी का एक एक्स्ट्रा चीज है जिसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख तक एक्सीडेंट क्लेम, तो उसमें भी आगे चलते हेल्थ के हमारे स्वास्थ्य बीमा वाले योजनाओं के साथ आगे चलते उनके कार्ड के साथ हमने जो अपने कार्ड जोड़ा है उसका भी फायदा आपको मिलेगा। अरे अब आप देखो 2,000 रुपए आपको बैंक का खाता खोलने के लिए 1,000 से शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री का यह है कि हमने कहा है 3,000 से 3 लाख तक उनका भी हुई है, तो एक अपने कार्ड में होगा, उन्होंने एक्सीडेंट का कहा है तो एक्सीडेंट का अपने साथ में होगा, जो भी सरकारी पैसे हैं वो सब इस कार्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो आप लोग तो एक ऐसे कार्ड को लेकर चल रहे हो जो सब चीज उसी ऊपर है, आपको बार बार फॉर्म भरना, लोगों के पास जाना, हाथा जोड़ी करना, लोगों से मांगना, मेहनत करना, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने कार्ड के ऊपर अपना काम कराओ। ये सोचिए हम लोगों ने आपके सामने ये कार्ड रखा हुआ है और इसके साथ साथ मैं ये सोच रही हूं कि जिस प्रकार से एक महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, उसी तरीके से एक महिला के आर्थिक सशक्तिकरण की वजह से परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो जाता है। और एक सशक्त परिवार एक सशक्त समाज, और एक सशक्त समाज और एक सशक्त प्रदेश, और सशक्त प्रदेश और सशक्त भारत, और इस तरफ हम लोग अपने लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं हमारे पहले वर्षगांठ के ऊपर उसके पहले बता दूं, लेकिन ये है आपकी रिसीट जो राशन कार्ड के लिए गई ना, वो तो राशन कार्ड के ऊपर उसको ये रिसीट मिली। पहले वो गई, उसने अपना नंबर बताया, फिर उसने अपना बायोमेट्रिक लगाया, उसने अंगूठा लगा
अंकल डालने के बाद उसने क्या मांग किया, उसकी उसे रिसीट मिली, रिसीट मिलते वो जा रही है अपना गेहूं प्लेट वगैरह लेके इस रिसीट के ऊपर वापस घर ले। आपकी सरकार का एक साल पूरा हुआ, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि उस दिन मैंने आप लोग सबको ब्यौरा दिया कि हम लोगों ने एक साल के अंदर अंदर क्या क्या काम किए हैं, तो सरकार ने क्या काम किए और पूरी लिस्ट मैंने उनको बना के दे दी है। उसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने क्या दिया, ऊर्जा मंत्री ने क्या दिया और मंत्रालय ने क्या दिया, वो सब आपके पास है भाइयों। एक दो लोगों ने वहां से नीचे से कहा अब काम होगा और जो पैसे मिले हैं उनको जनता के ऊपर और क्षेत्र के अंदर लगाने का काम हम लोग करेंगे। आज इसके साथ साथ ही राजकीय विधि महाविद्यालय के नवीन भवन, मूलदुर्गे और मेघालय संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर सर्जरी उसकी इकाई का भी उद्घाटन हुआ है। उसके लिए मैं आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये भी अपने इस क्षेत्र के लिए एक सौगात है। इस कार्यक्रम को आप लोग आने का बजाओ अपने खुद के लिए आप बता रहे आपके लिए। अब आप संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग देंगे श्री अरुण चतुर्वेदी जी को। आप लोगों ने देखा ये जो चीज है ना, ये भाषा का लोगो है, क्या ये और ये हमारे पूरे राजस्थान के अंदर सात घरों के अंदर हमें खिलाना है।